और सेरो कितना का सेरो 10 के 20 में सेरो कितना का लगे सारे एक कॉपी लिए जाएंगे पापा नहीं देंगे आपको अरे सर ये सही में दे सामान जो चाहिए नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप। और जैसा कि हर त्यौहार को जो है हर्षोल्लास के साथ पानीपत में मनाया जा रहा है, और इसी को लेकर छठ पूजा की जो तैयारी है वो भी जोर शोरों से चल रही है। छठ पूजा को लेकर देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह की तैयारी है। लगातार बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत के तहसील कैंप से देखिए, खरीदारी जमकर यहाँ पर की जा रही है। छठ पूजा का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और उसी को लेकर अब जो है त्यौहारों की जो तैयारी है, छठ पूजा की जो तैयारी है वो आप लगातार वो देख सकते हैं कि किस तरह से खरीदारी लगातार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं बाज़ारों में। तमाम बाज़ारों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तमाम लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। देखिए तमाम जो फल फ्रूट हैं और जो भी सामान इसमें प्रयोग में लाया जाता है, वो तमाम सामान की जो ख़रीदारी है वो लगातार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छठ पूजा का जो त्यौहार है उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नहर घाट पर लोग पहुँचते हैं भारी संख्या में। पानीपत की यदि बात करें तो नहर घाट पर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। छठ पूजा हर बार पानीपत में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जोरों शोरों के साथ आज छठ पूजा के त्यौहार को लेकर, महापर्व को लेकर की खरीदारी जो है की जा रही है। बात करेंगे सर, क्या कुछ बताया जाएगा, किस तरह की खरीदारी चल रही है छठ पूजा के त्यौहार को लेकर? हेलो, हाँ जी, इस टाइम में ये सूर्य भगवान का व्रत है जो कि आज छठ पूजा के नाम से मना जा रहा है, और पानीपत के अंदर में बड़े उल्लास के साथ में सभी बाल बच्चे आदमी अखंड रह करके 24 घंटा बिना नीर जल का रहता है, और सवेरे सूर्य भगवान को निकलते ही उनको पकवान वकवान से सारे वस्त्र नए सारे आभरण आभूषण उनकी पूजा में जितने फल फूल इस धरती के होते हैं सारा चीज़ लेकर के पुरुष से औरत तक ले भगवान सूर्य भगवान को जल में खड़ा होकर के अर्पण करते हैं। कैसी खरीदारी होती है, खरीदारी कैसी चल रही है? हाँ, खरीदारी मतलब एवन ग्रेड की सारी सब चीज़ों की चल रही है, मतलब जो कि उनका सामान होता है भगवान सूर्य भगवान का अर्पण करने वाला। टोकरी किस लिए खरीद जाती है? हाँ, टोकरी में ये होता है कि ये आइटम होता है ज़्यादा टोकरी होती है नई शुद्ध, जिसको मतलब नया हाथ से बनाया जाता है उसी को इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सारे सामान को लेकर के आदमी जहाँ गंगा जी का मतलब घाट होता है उस घाट पर पहुँचते हैं, और जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान को इसको डूबते हुए और सवेरे निकलते हुए दोनों टाइम मतलब उपवास रह करके शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध मन चित्त से इनका पूजा किया जाता है। गन्ना भी सारे फल में, फल में तो सारे आ गए गन्ना। आप कौन से घाट पे जाते हो? आप कौन से घाट पे? बस वहाँ पर मॉडल टाउन, हाँ, पप्पकी वाला। अच्छा, पूरे परिवार के साथ ही? पूरा परिवार के साथ ट्रक करते हैं, ट्रक पर चढ़ करके सारे आदमी वहाँ जाते हैं, जल में खड़ा होते हैं, सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं, गंगा जी को भी जल देते हैं, दिया बाती अपन सब कुछ जलाया जाता है। पानीपत में कब से रह रहे हो? पानीपत में रहते हुए मेरे 25 साल हो गए। रहने वाले कहाँ के? यूपी का रहने वाला हूँ। और यूपी वहाँ भी जाते हो कभी मनाने के लिए? वहाँ भी मैंने यहाँ रहे तो यहाँ मनाए, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ मनाते हैं चीज़ें के हैं। दिल तो करता होगा वहाँ भी जाने का? करता है आदमी, जाता है, जैसे शादी ब्याह हुआ ऐसे भी बीच में भी घूमने फिरने के लिए आदमी चला जाता है। रोजी रोटी के वास्ते आदमी यहाँ पानीपत में आया है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, बाल बच्चे सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ अपना घर में बिजनेस करते हैं, कुछ फैक्ट्री लाइन में कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेता है जिससे कि अपना पूर्ति हो जाता है। छठ पूजा का त्यौहार है और बड़े हर्षोल्लास के साथ पानीपत में मनाया जाता है। भारी संख्या में लोग जो है नहर किनारे जो घाट पर पहुंचते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार खरीदारी करने के लिए लोग जो है बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। तहसील कैंप की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर छठ पूजा की तैयारी को लेकर जो है लगातार जो है खरीदारी की जा रही है। तमाम जो
पूजा अर्चना के लिए जो सामान जो सामग्री इसमें प्रयोग में लाई जाती है उसकी खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तहसील कैंप की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छठ पूजा की तैयारी को लेकर लगातार जो है अब खरीदारी जो है जोरों शोरों पर की जा रही है। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि छठ पूजा जो महापर्व है उसको बड़े ही धूमधाम के साथ पानीपत में मनाया जाता है। भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचते हैं नहर घाट पर और वहां पर पूजा अर्चना जो है की जाती है और उसी की तैयारी को लेकर अब खरीदारी की जा रही है।